रोशनगेट परिसरातील नागरिकांना येथील नागरी समस्येने ग्रासले असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, कचरा प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याची फुटलेली पाईपलाईनमुळे साचलेले पाणी यामुळे नागरिक हैराण झालेत. याविषयी नागरिकांनी एमसीएन न्यूजला प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बघूया काय आहे त्यांच्या समस्या. देखना चाहिए प्रशासन ने, महानगर पालिका ने ये रोड देखना चाहिए. और ये गड्ढे खोद कर रखी है दो दिन से, चार दिन से खोदे, चार दिन से खोदे. सबसे पहली बात ये है कि महानगर पालिका यहाँ पर आई थी और ये गड्ढे कर कर खोद कर गई भी है और उसके बाद अभी तक के तो कुछ काम नहीं हुआ. काफ़ी घरों में नल का पानी जो है खराब आ रहा डेनिस का और अभी तक के ये रोड के ऊपर देखो सारा खोल के रखे, लोगों को भी आने जाने के लिए परेशानी हो रही है. ये पानी का देखो सब मसला और एक तो इतनी सी जगह के अंदर इतना बड़ा गड्ढा करके रखी हुई महानगर पालिका ने, अभी तक के कुछ हुआ नहीं मसला हल. चार पाँच सालों से हमें रोड का बहुत मसला आ रहा है और ये पिछले दो महीने से ये पीछे गड्ढा है, ये हर दो दिन आठ तीन दिन आठ गड्ढा ये रोड पे खोद कर डाल देते हैं और इनको कुछ पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. और देखा जाए तो औरंगाबाद में अतराफ का जो इलाका है वो अपडेट होते जा रहा है और ये मुस्लिम महलों में और ये जो अंदर अंदर की एरिया है रोशन गेट हो गया कट गेट ये बीच का जो रोड है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.